स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। प्रदेश के 7 शहरों ने बनाई जगह। सीएम मनोहर ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली। कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का है परिणाम। पलवल के आलापुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। झगड़े में कई लोग बुरी तरह घायल। सभी अस्पताल में भर्ती। जिंद में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। छापेमारी में कई कंपनियों के स्टीकर पैक डब्बे समेत 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। फैक्ट्री मालिक समेत 4 गिरफ्तार। और दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं। 355 के पार पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई। गुरुग्राम में 200 के पार जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा एक्यूआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने और इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पूरे मामले पर अब आगे पूछताछ जारी होगी। 4 युवकों की हत्या का मामला था। ये इसमें कासन में तो दिवाली वाले दिन घटना हुई थी फायरिंग की, जिसमें हमने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो उसमें इस सारे हत्याकांड में उनकी भूमिका रही थी और हम कुछ और जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनकी तलाश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम और भी गिरफ्तारियां करेंगे इसमें। और इसमें जो भी शामिल रहे हैं लोग किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। प्रवीण, इस पूरे मामले पर जैसा कि जानकारी मिल पा रही है तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कई लोग परिवार के ही शामिल बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है जो हाल फिलहाल अभी हमें मिल पा रहा है? देखिए, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग नाबालिग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस कांड से पहले वहां की रैकी की थी। इसके अलावा इसमें 4 शार्प शूटर भी हैं, जो जिनके नाम अभिषेक, संजू हैं, वो शार्प शूटर हैं। उनके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं, फिरौती, अपहरण और हत्या के। तो कहीं ना कहीं जैसे कि पहले एक आशंका जताई जा रही थी कि इसमें शार्प शूटर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी क्लियर हो गया। और जो मुख्य आरोपी है रिंकू, उसकी अभी पुलिस को तलाश जारी है, वो भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन फिलहाल जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे रिमांड पर लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे के कांड का खुलासा होगा। पुलिस की माने तो इसका कारण 2007 में हुई रंजिश इस हत्याकांड का मुख्य कारण थी, क्योंकि जो रिंकू का भाई है उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी और उसका बदला जो है दिवाली की राजकासन में इन लोगों ने लिया। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे इसमें नाबालिग भी बताए जा रहे हैं जो शामिल हैं। हाल फिलहाल क्या पुलिस द्वारा कुछ बातचीत हो पाई है, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन क्या अभी तक कुछ बातचीत हो पाई है जिस दौरान कुछ खुलासा हुए इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है और जो हथियार इसमें प्रयोग किए गए हैं उनको पुलिस रिमांड पर लेकर बरामद करने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो 4 शार्प शूटर इस्तेमाल किए गए हैं जिनको भाड़े पर लिया गया था, पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया और उनसे अलग से पूछताछ कर रही है। साथ ही इस मुख्य कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता था रिंकू, वो भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके साले को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस हत्याकांड की योजना बनाने
थाने में मुख्य आरोपी था और साथ ही जो दो नाबालिग इस मामले में एसआईटी ने अरेस्ट किए हैं उन्होंने इसकी रैकी की थी कि परिवार किस समय जमा होता है और कितने बजे ये लोग पूजा करने के लिए बैठेंगे और कितने लोग वहां पर होंगे, तो ये सारी जानकारी इन दो नाबालिग बच्चों ने जुटाई थी जिनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को रिमांड पर लिया है अदालत से और आगे की पूछताछ जो है पुलिस अब इन आरोपियों से करेगी ताकि रिंकू के बारे में जानकारी मिल सके जो कि मुख्य आरोपी है वह कहां छिपा है और जो हथियार इसमें प्रयोग किए गए उनको बरामद कर सके। बिल्कुल प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल कई लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है इसमें जो तमाम आरोपी हैं, तो रिंकू को लेकर के कुछ पूछताछ हो पाई है, आखिर वह कहां छुपा बैठा है? देखिए रिंकू की तलाश में जो लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, पुलिस ने 8 टीमें अपनी गठित की हुई थी इस हत्याकांड के बाद से ही जो लगातार दबिश दे रही थी संभावित ठिकानों पर। अब उम्मीद ये की जा रही है कि वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा क्योंकि जिस तरह से उसके साले को गिरफ्तार किया गया है और उसके ससुराल के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में या कहीं वो छिपा हो सकता है और उसकी जानकारी लेकर पुलिस की टीमें लगातार दबिश कर रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में एक दहशत का माहौल हो गया था कि जिस तरह सरेआम एक घर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बन गया था गुरुग्राम पुलिस के लिए, जिसके लिए लगातार पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए छापेमारी कर रही थी और 10 आरोपियों को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल प्रवीण, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 8 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है और अब आगे इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है और मुख्य आरोपी रिंकू की तलाश फिलहाल जारी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल के आहलापुर गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो गया था और आपको बता दें कि ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया जिसके बीच जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले जिसमें करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुस करके लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है और विवाद काफी बढ़ गया कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। पलवल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। मारपीट का यह वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें आपको बता दें कि करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बढ़ता आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, तमाम पुरुष इसमें शामिल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मारपीट करते हुए नजर आए। न जाने किस बात को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे बरसे हैं। ये आलापुर गांव में 12 तारीख की बात है, वहां झगड़ा हुआ था, दो पक्ष थे तो दोनों पक्षों के चौके आई थी और दोनों पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो ब्राह्मणों की तरफ से मुकदमा है उसके अंदर हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो दलित पक्ष से है उसमें अभी से कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर विवाद कितना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडे बरसे हैं और दूसरी तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि तमाम लोग इस मारपीट के दौरान घायल भी हुए हैं। तो पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस मारपीट में तमाम महिलाएं भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल हैं और कई पुरुष भी इसमें शामिल हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है ये देख सकते हैं।
हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ वर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। सौरभ, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे बरसे हैं और इस दौरान दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कनिका जी, ये शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव आलापुर की जो घटना है और गत 12 नवंबर की जो घटना है जिसका वीडियो भी आप साफ तौर से वीडियो जो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वीडियो हो गया है। हालांकि अभी जो यही कहना है कि इस बात को लेकर दोनों पक्षों का देखा हुआ और उस दौरान जो है दोनों पक्षों के लिए दर्शन लाठी गई है और घड़ी घड़ी की दर्शन है जो लोग थे बताए जा रहे हैं कि उपचार काफी चल रहा है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के अगर बात करें तो जो यहाँ तक अधिकारी है उनके हाथ भाषी इसका कहना है दोनों तरफ से उनसे शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस पर उन्होंने दोनों तरफ से जो है दो दर्जन के करीब लोगों के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक पक्ष की तरफ से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बारीकी से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बात का सामने निकल कर आ रही है जिनमें बच्चों का किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी बात को लेकर ये जो झगड़ा इतना बड़ा जिसको लेकर जो दोनों पक्षों में जो आपस में जो एक दूसरे पर जो लाठी बन गए और खिलाड़ी से हम लाठी बना। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत कांग्रेस पूरे देश में किसान विजय दिवस मना रही है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व सीपीएस रामकृष्ण गुज्जर ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया है। उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमे और शहीद किसानों के किसी एक परिजन को नौकरी देने की भी मांग की है। इस तरीके से देखते हैं कि लगभग एक वर्ष के कड़े संघर्ष और 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद यह फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? एक लंबी लड़ाई थी जो किसानों ने एक साल लगा दिया। इस आंदोलन को एक साल से ऊपर का समय हो गया और आखिर में मैं इसको देखता हूं यह किसानों की जीत है जी। मोदी जी को झुकना पड़ा और मैं तो समझता हूं कि अगर ये शुरू में ही इस बात को मान लेते तो इसके अंदर जो देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जो किसानों का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, जो 700 परिवार किसानों के उजड़ गए जिनकी शहादत हुई है 700 लोगों की, तो मैं समझता हूं ये नुकसान हिंदुस्तान को ना उठाना पड़ता। सर, अभी भी बहुत से ऐसे किसान जत्थे हैं जो बॉर्डर्स पे धरना स्थलों पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है एमएसपी को लेकर जो है कानून नहीं बनाए जाते और भी कई मुद्दे हैं उनके, तो किस तरीके से देखते हैं किसानों के इस बयान को? उनकी जायज मांग है ये जी। और बीजेपी सरकार को मानना चाहिए, वादे किए थे बीजेपी सरकार ने। एमएसपी की बात है, 2022 में आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, उसके साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, कई वादे किए हुए हैं और ये किसानों की जायज मांग है, वो मान लेनी चाहिए जी। सर, 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है इस किसान आंदोलन के अंदर और साथ ही साथ बहुत से किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज कांग्रेस जो थी, पहले भी ऐलान किया गया था कि कांग्रेस जो है समूचे प्रदेश के किसानों की मुफ्त में मुकदमे लड़े जाएंगे, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? आपको ध्यान होगा कि हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने यहीं पे कहा था कि किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे हैं उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी और जो भी एक मुकदमे है कांग्रेस पार्टी उसको लड़ेगी और हमने जहां भी जरूरत पड़ी हमारी तरफ से पार्टी के लोग वकील हमारे हैं जो वो पहुंचे। और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, पंजाब से शुरू की थी और पीपली में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इसका समापन किया था। हमारी पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी हर बॉर्डर पे जाके, हर टोल प्लाजा पे जाके, जहां भी किसान धरने पे बैठे थे वहां जाके उनका हौसला बढ़ाया, समर्थन किया। और उसके साथ साथ 31 दिसंबर को, पिछले 31 दिसंबर को जहां पूरा दुनिया नए साल के जश्न मना रही थी तो हमारी अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी सिद्धू बॉर्डर पे पूरी रात सर्दी के अंदर किसानों के साथ बैठ के वहां पे उनको समर्थन किया था। सर,
सर किस तरीके से देखते हैं, जैसे 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, कंपनसेशन की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं कंपनसेशन मिलना चाहिए? बहुत से बयान भी सामने आए, सत्ताधारी पक्ष के भी बयान सामने आए, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जिनों की शहादत हुई है वो परिवार उजड़ गए हैं, ये जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की कि उनकी मदद हो, और उसको मदद करने का तरीका उनके परिवार में से किसी को सरकारी रोजगार मिले और उसके साथ मुआवजा मिले। और एक और जो मांग है, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे भी खत्म करने चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। सर ये तो किसान आंदोलन की बात थी कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माफी मांगी है, लेकिन आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, वहां बाकायदा जो है कांग्रेस को 1984 के दंगों की बात बताई, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज किसानों की जीत है तो उसमें विज साहब को भी शामिल होना चाहिए उस जीत में जी। किसानों को बधाई देनी चाहिए, किसानों को समर्थन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि एक साल चाहे हो गया पर हमने ये बिल वापस ले लिए। अब उस बात को कहीं दाएं बाएं ले जाए उसका क्या फायदा है? आज तो किसानों की जो जीत है, जो उसका समर्थन खुले मन से सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीपीएस रामकृष्ण गुज्जर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है जिसके चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन अशोक की रिपोर्ट। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेसवार्ता की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों ने खूब पसीना बहाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कृषि कानून किसानों को समझा नहीं सके, जबकि खुद प्रधानमंत्री काले कानून को समझ ही नहीं पाए हैं। कृषि कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद था, वहीं कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है, जबकि अडानी और अंबानी की हार है। वहीं कांग्रेस नेता पंकज रावत ने कहा कि जिन किसानों को आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनको सरकार मुआवजा दे। देखिए, अगर इस प्रकार की बात किसी दूसरे देश में हो जाती, आ जाओ तमर साहब बैठ जाओ, अगर किसी दूसरे देश में अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे लेते लोग। तो हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे, फ्लोर ऑफ द हाउस में इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराएं, ताकि उनको अपनी लोकप्रियता का पता लगे कि कितने वो लोकप्रिय हैं देश के अंदर। और देखिए, आज चीन जो है डोकलम में और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर आके घुस गया। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में अभी पेपर जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए में एचसीएस ऑफिसर के जो है पेपर लीक किए जा रहे हैं क्या? वहीं फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने कृषि कानून वापसी को लेकर के विजय दिवस मनाया। वहीं प्रभारी संवाददाता पूजा शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की, देखिए आपकी खास रिपोर्ट। कृषि कानूनों के निरस्त होने की घोषणा के बाद कांग्रेस आज विजय दिवस मना रही है, साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे पर भटकल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता विजय प्रताप के नेतृत्व में आज पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विजेंद्र कादियान जी हमारे साथ, कांग्रेस के पूर्व मंत्री मौजूद हैं। सर, विजय दिवस मना रही है, कितनी किसानों के साथ कांग्रेस उत्साहित है? कांग्रेस पूरी उत्साहित है कि ये हम मानते हैं कि किसानों के संघर्ष ने ये विजय हासिल की है और उसमें कांग्रेस का पूरा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और किसान आज विजय, जो किसानों की जीत हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सारे देश में आज किसान विजय दिवस के रूप में मना रही है। क्या लगता है सर, इतने समय बाद एकाएक प्रधानमंत्री को क्यों ऐसा लगा कि ये कृषि कानून के बारे में वो कुछ किसानों को नहीं समझा पा रही है? सिर्फ एक ही कारण है, किसानों को समझाने की इसमें कोई बात नहीं, ये कानून ही गलत थे। लेकिन जब मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये लगने लग गया कि ना यूपी में तेरी सरकार बनने वाली, ना पंजाब में बनने वाली और सारे देश से भाजपा की छुट्टी होने वाली है, तब प्रधानमंत्री ने उस प्रेशर में और साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन सहयोग किसान को रहा उसके प्रभाव से ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। जी जी बिल्कुल, कांग्रेस के दबाव में कानून वापस लिए। और देखिए, महंगाई के मुद्दे पर और कृषि कानून निरस्त होने को लेकर जो है उत्साहित नजर आ रही है कांग्रेस, और जो स्वागत समारोह
भी लगातार इस पदयात्रा के दौरान जो है वो जारी है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय प्रताप जी भी मौजूद है। विजय जी आज विजय दिवस भी मना रही है विजय प्रताप के गढ़ में कांग्रेस, और साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर भी पदयात्रा निकाली जा रही है। किसकी जीत किसकी हार मानते हैं कृषि कानून? मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि मोदी ने अपनी भूल स्वीकार की है, ये जरूरी भी था, लेकिन जो 700 से ज्यादा शहीद हुए हैं किसान, उनको जब तक न्याय नहीं मिले उनसे माफी मांगनी चाहिए और हर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और MSP को कानून बनाया जाए जब असली प्रायश्चित होगा मोदी सरकार। और इस यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ कर आ रहा है, कहा जा सकता है कि पीएम मोदी द्वारा जो ये घोषणा की गई है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हो रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। वहीं फरीदाबाद में जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र कादियान ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र ने कहा कि डर कर बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा कादियान ने यह भी कहा कि बीजेपी यह फैसला लेने से डर रही थी। आपको बता दें कि विजय दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने शिरकत की जहां उन्होंने ये बयान दिया है। जो संघर्ष लगभग 1 साल से किसान सड़कों पर बैठे थे और किसानों ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष में जो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना साथ दिया, मैं समझता हूं कि उसी का ये परिणाम है कि मोदी जी की मजबूरी हो गई इन कानूनों को वापस लेने की। तो ज्यादा सरे तो मैं ये कहूंगा कि किसानों के संघर्ष को जाता है और उसमें साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन और सहयोग किया वो भी कांग्रेस पार्टी को जाते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कि आंदोलन पहले भी हुआ था, तब कांग्रेस ने बात सुनने के बजाय इमरजेंसी लागू कर दी थी और एक आंदोलन अब हुआ है। तो पीएम मोदी ने किसानों की मांग सुनी और उन्हें पूरा भी किया। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा कि ऐसा करने से नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है, सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। आंदोलन पहले भी हुआ था, नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति, देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का, 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदर पूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद भी किसान नेता किसान आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर स्थित किसान आंदोलन ऑफिस में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सदस्यों में बैठक हुई है। इसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ घोषणा की है, अभी तक ये कानून रद्द नहीं किए गए हैं। वहीं किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अभी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, अभी MSP पर कानून बनाने की भी बात कही जा रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो कल होगी। सारे पक्के फैसले कल उस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने जो कोई प्रोग्राम अनाउंस किए थे, 22 तारीख की रैली लखनऊ में, 26 तारीख को मोर्चों के ऊपर आना और उसके बाद 29 को पार्लियामेंट की तरफ कूच, ये सारे प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
और आपके माध्यम से हम सभी किसानों और किसान हितैषियों से अपील करना चाहते हैं कि और ज्यादा पुरजोश से हम इस सब के अंदर हिस्सा लें और इन्हें और ज्यादा सफल बनाएं। सर प्रधानमंत्री ने और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।